समाज के सेवक है, इतने पुलिस प्रशासन के अंदर कुछ कार्रवाई होता है क्या? सबको तोड़ो, सब एक साथ बनाए, सबको तोड़ो। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के कुरूद में चबूतरा तोड़े जाने पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा और फुटकर व्यापारी संघ ने आज कुरूद नगर को बंद किया है। भाजपा नेता और फुटकर व्यापारी संघ की टोली सुबह से कुरूद नगर में घूम घूम कर बंद कराने के लिए निकले हुए हैं। कुरूद बाजार चैक में लगे चबूतरा को तोड़े जाने के विरोध में फुटकर व्यापारियों का गुस्सा देखने को मिला। 32 हितग्राहियों के चबूतरे को तोड़े जाने से कड़ा विरोध किया गया है। बंद को देखते हुए कुरूद में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। दरअसल कुरूद नगर में लाखों रुपए की लागत से भाजपा शासन में बाजार चौक में बने चबूतरे को तोड़े जाने का विरोध हो रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष की दादागिरी के साथ अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। प्रशासन में बैठे अधिकारियों को सत्ता का धौंस दिखाकर आकर्षक हाट बाजार के दो शेड को लोक निर्माण विभाग की अनुमति के बिना कंडम घोषित कर दिया। पूरा मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन होने पर भी नगर पंचायत अध्यक्ष बकायदा मौके स्थल में आकर सत्ता का धौंस दिखाकर तोड़ने और विपक्ष को कुचलने की धमकी दिया गया है। इसके विरोध में कुरूद नगर को बंद कराया गया। वहीं फुटकर व्यापारी संघ के अध्यक्ष योगेश सिन्हा की माने तो कुरूद नगर पंचायत के द्वारा 15 सालों से बने चबूतरे को अवैध घोषित कर तोड़ दिया गया है। इस चबूतरा में सब्जी व्यवसायी सहित अन्य लोग बैठते हैं। चबूतरा तोड़ने को निंदनीय बताया है। ये हमारे यहाँ कुरूद नगर में बने 15 वर्षों से जो चबूतरा बना हुआ है वो अवैध रूप से घोषित कर दिया गया नगर पंचायत द्वारा और उसको तोड़ा जा रहा है, क्योंकि जिस भूमि को बनाया जाता है उसमें बहुत मेहनत लगती है और छोटे छोटे व्यापारियों का हित था और सब्जी और अन्य व्यापारी जिसमें बैठते थे उनको तोड़ना उचित नहीं था। यह एक प्रकार से निंदनीय है कार्य है। ये बंद का आह्वान कब तक रहेगा? हम तो बंद का आह्वान आज एक दिवसीय रखे हैं, लेकिन यदि इस तरीके से कोई हरकत होती कुरूद शहर के साथ तो हम लोग अनिश्चितकालीन बंद का भी आह्वान कर सकते हैं व्यापारी संघ द्वारा। आज कुरूद को उजड़ने की ओर ये हमारे नगर अध्यक्ष ले जा रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ मनमानी किया जा रहा है। कई पार्षद लोग हम लोग का समर्थन भी है इस मुद्दे में कि हम लोग इसको नहीं हटाना चाहते हैं करके, उसके बावजूद भी अध्यक्ष अपनी मनमानी कर रहे हैं और दादागिरी कर रहे हैं। और कल देखे होंगे सैकड़ों पुलिस प्रशासन के साथ दादागिरी के साथ यहाँ इन लोग को बेदखल किया गया। पहली बार इतिहास में ये कल का दिन काला दिन है। और कल ये व्यापारी लोग को मैं समर्थन करता हूँ कि यहाँ आके ये लोग अपना दुकान लगाना चाहते हैं, पसड़ा लगाना चाहते हैं। हम लोग भी भाजपा वाले लोग भी यहाँ आके इन लोग को समर्थन देंगे। इधर नगर पंचायत के अध्यक्ष तपन चंद्राकर ने भाजपा के लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया। तपन की माने तो नगर परिषद में बैठक कर सर्वसहमति से चबूतरा को तोड़ने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद चबूतरा तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। तपन की माने तो चबूतरा तोड़ने का निर्णय इसलिए लिया गया कि वहां पर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता था, जिससे वहां दुकान संचालित करने वाले काफी परेशान हो रहे थे। वार्ड क्रमांक 3 स्थित नया बाजार में जो चबूतरा तोड़ने का निर्णय परिषद द्वारा लिया गया था सर्वसम्मति से, उस चबूतरे को तोड़ने का निर्णय इसलिए लिया गया था कि वो अनुपयोगी है, वहाँ पर असामाजिक तत्व लोग उठते बैठते हैं और जिनका दुकान है सामने उन लोग उसमें परेशान रहते हैं। हमने उसको तोड़ने का निर्णय लिया। उसके विरोध में विपक्ष ने कलेक्टर न्यायालय में अपना आवेदन किया, उन्हें स्टे भी मिल गया, स्टे के लिए आवेदन किया, स्टे भी मिल गया। हमने अपने वकील के माध्यम से हमने कलेक्टर न्यायालय में पुनः आवेदन लगाया कि हमें बिना सुने निर्णय लिया गया करके, तो कलेक्टर न्यायालय के द्वारा उनका स्टे खारिज कर दिया गया और निर्णय हमारे पक्ष में आया। बहरहाल बीजेपी ने फुटकर व्यापारी संघ के साथ मिलकर कुरूद नगर बंद कराने का कितना प्रभाव
नेताओं और इलाके की राजनीति पर पड़ेगा और नुकसान कितना कांग्रेस को बीजेपी पहुंचाती है ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव के परिणाम बताएंगे। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में आम जनता पीस रही है और जनता की सुनने वाला कोई नहीं।